नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों अपन शाला दर्पण पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। न्यू इसमें इनोवेशन कर दिया गया है, तो साइट पे डायरेक्ट अगर इंटेग्रेटेड शाला दर्पण साइट पे जाओ तो यहाँ से जाना होता है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। स्कूल लॉगिन यहाँ से करना है, स्कूल लॉगिन कीजिए। स्कूल लॉगिन से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ आपको नीचे लॉगिन दिखाई दे जाएगा। तो ये दोस्तों आपके आगे यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करते हुए और नीचे आपको कैप्चा फिलिंग करते हुए और आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों इसे यहाँ से अपन लॉगिन हो जाते हैं। कैप्चा एंटर गलत बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज एक नंबर एक तो इसमें जो अपडेशन हुआ है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करेंगे वो, और दूसरा इसमें 2 दिन पहले का अपडेशन जो है वो आपका स्कूल टैब में जाके जैसे एस आई क्यू में जाते हो तो यहाँ पर आपकी एंट्री एस आई क्यू सेकेंड की जो एंट्री है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसकी एंट्री आप इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये क्लास सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्शन सेलेक्ट करना है, सो स्टूडेंट आपको डिटेल सेलेक्ट करनी है। जैसे आप डिटेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा प्रोसेस होने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका SA1 पे राइट का सिंबल लगा हुआ यानी कि भर दिया, और SA2 इस प्रकार से हुआ। इस पे जैसे कट का मार्क है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो पहला अपडेशन ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट से फिर आपको सेलेक्ट करना है SA1 की जो आपकी शैक्षिक गतिविधियों का आकलन, और SA2 की यानी SA1 की आपकी शैक्षिक गतिविधियाँ अभी पेंडिंग है इसीलिए दिखाई दे रहा है, और SA2 आप सेलेक्ट करेंगे। SA2 ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए गो बटन पे आपको क्लिक करना है। गो बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ से कीजिए। जैसे हिंदी ओपन हुआ है तो हिंदी का यहाँ से कक्षा का स्तर कैसा है, ग्रेड बच्चे का कैसा है SA2 में, वो सारा करके आप यहाँ से सबमिट कर दें। इसी प्रकार से फिर अगला सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, उस बच्चे का गणित है इंग्लिश है, ये 3 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट क्लास के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो हो गए। तो ये तो महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद में जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसके बाद जो बता रहा हूँ दोस्तों, आपको रिजल्ट टैब में आना है। जैसे ही आप रिजल्ट टैब के अंदर आएंगे तो आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और ये जो डेट दी गई है ये आपकी 28 तारीख दी गई है, 28 फरवरी, उससे पहले पहले आपको करना होगा। तो जैसे ही रिजल्ट टैब में आएंगे सबसे पहला काम आपका रिजल्ट टैब, और रिजल्ट टैब से आपको ये एंट्रियाँ दिखाई देगी। इसमें आपको सेकेंड टैब पर आना है रिजल्ट एंट्री पर। रिजल्ट एंट्री पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो ये आपको जो साइड के अंदर ये देखो सब्जेक्ट टीचर्स मैपिंग यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके न्यून परिणाम रहने वाले टीचर हैं उनकी मैपिंग नहीं होने के कारण जो है निदेशक महोदय ने आदेश किया है कि ये ज़रूरी है। तो आप जैसे ही इसमें सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वर्तमान सिलेक्शन और पुराना सिलेक्शन जो ईयर्स है वो ये आ रहा है। इसमें आपको एक बार ऑर्डर दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें ऑर्डर ये एक सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए बताया गया है कि इसमें शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम के समीक्षा के मापदंड निर्धारण के लिए समय सारणी के अनुरूप विद्यालय वार उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम की प्रशंसा प्रमाण पत्र और मापदंडों में न्यून परिणाम वाले अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, तो इसके लिए बताया गया है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के मॉड्यूल में जाके और आपको 28 दो से पहले डेट का निर्धारण किया उससे पहले पहले आपको करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में चले जाना है। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जो भी क्लास आपकी है। जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ से 6th क्लास ले लेता हूँ, और यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद में तो आपके आ गए। अब यहाँ से जैसे हिंदी है तो हिंदी के सब्जेक्ट टीचर पहले से मैपिंग हो रखे हैं, ये आप देखिए नाम, अगर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से आपको नेम में लेना है ठीक है। यहाँ 3A और 3B अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और टीचर्स 1 और टीचर्स 2 यानी अगर दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो दोनों टीचरों को आपको मैपिंग करना है, और नहीं है तो इसमें एन आ जाएगा और यहाँ नन आ जाएगा। और ये जो रिलीव्ड और 3B और 3A का है ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3A का मतलब आपका टीचर्स है, जैसे साइंस का टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है तो एन दिखा दिया, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से दिखा सकते हो, और फिर आपको यहाँ से नीचे से सबमिट कर देना है ठीक है दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का हो गया, हर सब्जेक्ट का इस प्रकार से आपको करना है। अगर इस मैपिंग से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट कीजिए ताकि हम आपका समाधान कर सकें। एक तो ये है, दूसरा आपका टैफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। टैफ दोस्तों आपका है वो टैफ अप्रूव का ऑप्शन यह है, और आपको पर्सनल आईडी से टैफ भरना है। टैफ 1 साल के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर्स प्लस में, आपको बता दूं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स प्लस में इसके यूपीएस स्कूल के हेडमास्टर
HM, इन दोनों को आपको ये भरना है, या फिर जो पढ़ा रहे हैं इनसे संबंधित उनको आपको भरना है। तो अब थर्ड ग्रेड क्लास यानी 1 से 8 तक क्लास पढ़ाने वाले उन सबको आपको भरना है। तो उसके लिए आपकी पर्सनल स्टाफ विंडो के लॉगिन आईडी से आपको इसको फिलअप करना होगा। और ये इसका स्टार्ट हो चुका है, जो कि साल में 2 बार होता है। एक बार आपका 1 जुलाई से लेके और अभी दिसंबर तक का भरा जाएगा, जुलाई टू दिसंबर। और जो उससे पहले वाला जो आपने भरा था पिछली बार, वो आपका जनवरी से लेके और जून तक का था। ठीक है, तो ये 2 है, तो दूसरा आपका स्टार्ट हो चुका है। टैफ अप्रूव आपका यहाँ पर आएगा स्कूल लॉगिन में, और यहाँ जैसे ये ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से अप्रूव कर देंगे। जिस प्रकार से टैफ फील्ड का ऑप्शन यहाँ आएगा, टोटल टीचर्स यहाँ आएंगे, ये सारा आपका आ जाएगा और यहाँ से अप्रूव करना है। तो ये ताज़ा अपडेशन दे जो मैंने फटाफट आपको बता दिए। अगर आपको किसी प्रकार की इससे संबंधित और समस्या रहती है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मैं दूसरा वीडियो आपको दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।